हेलो एवरीवन वेलकम बैक फाइनली मैं एक पूरी केस स्टडी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें हमने पूरी ब्रांडिंग की है होम पेज बनाया है एंड पूरी वेबसाइट लाइव भी की है इसी क्लास के बीच में मैंने वेबसाइट का यूआरएल भी बताया जो हमने लाइव की है तो वहाँ से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि रियल प्रोजेक्ट है तो सारी केस स्टडी मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा एंड फिगमा में पूरा डिज़ाइन भी हम इसमें बना के देखेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द क्लास रूम वेलकम बैक तो सबसे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि वारी करता क्या है और इसका नाम वारी क्यों है सो so बेसिकली वारी एक आर्टिस्ट की वेबसाइट है जहाँ पे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग सेल कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ प्रजेंट करना चाहता हूँ तो जो लोगों हमने बनाया है ब्रांडिंग हमने की है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा एंड ये पूरा लेआउट किस तरीके से बना है किस फॉर्मेट पर बना है क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसको बना के भी यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ वारी की जो ब्रांडिंग हमने यहाँ पे की है तो अगर मैं वारी को ओपन करूँ तो सबसे पहली स्लाइड में हम बताते हैं वाए वारी वारी क्यों नाम रखा गया तो वारी एक यात्रा का नाम होता है जो महाराष्ट्र में लॉर्ड विथोबा जी के ऑनर में की जाती है सो so, लॉर्ड विथोबा विष्णु जी का ही रूप है और ये टीका कुछ इस तरीके से लगाते हैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ जो गूगल का मैप का आइकन है वो भी यहीं से ही लिया गया है एंड इसमें आगे चलते हैं तो हमने क्या इनको प्रपोज़ किया यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट नोट भी पढ़ सकते हो कुछ प्रिंसिपल्स भी अप्लाई किए हैं और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी का वर्ड है री रा और एक मात्रा है जिसमें हम विथोबा जी का टीका डिपेक्ट करा रहे हैं एंड यहाँ पे अगर आप डब्लू को देखोगे तो यहाँ पे हमने एक लॉ अप्लाई किया है विच इज़ फोरग्राउंड फिगर सो यहाँ पे अगर आप डीप लेवल देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन शेप्स और दिखेंगी डब्ल्यू के अंदर तो तीन शेप्स क्या डिपिक करती हैं बेसिकली आर्टिस्टिक शेप्स हैं और यहाँ पे एक आर्ट का पीस हमने इसमें मास्क भी किया है तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने ये वाला दिया था एंड अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू को थोड़ा सा मॉडर्न बनाया है एंड सिंपल लोगो दिया है लेकिन इसमें आप तो मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा ये विथोबा जी का टीका है लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज किया है और ये बताने की कोशिश की है काफ़ी सारे लोग एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं यानी कि यात्रा हो रही है तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था एंड थर्ड वाले में भी हमने यही किया है लेकिन इसको आइकॉनिक लोगो बनाने की कोशिश हमने की थी ये है ब्रांडिंग पार्ट एंड फाइनली हमने यूज़ किया ये वाला लोगो लेकिन इसमें भी कुछ आइट्रेशंस रहे एंड आइट्रेशन के बाद फाइनल हमने ये वाला बनाया है एंड इसके बाद हम आते हैं वेबसाइट पे वेबसाइट हमने कैसे बनाई है कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ की है एंड एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि ये वेबसाइट लाइव भी है आप इसको देख सकते हो वारी आर्ट डॉट कॉम अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली हमने ये वर्ड में डिज़ाइन की है वर्ड थीम पे ये पूरी बनी है एंड डायनामिक वेबसाइट है तो यहाँ पे हमने होम पेज डिज़ाइन किया था कुछ इनर पेजेस भी डिज़ाइन किए हैं तो इनर पेजेस आप रेफर कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो तो यहाँ फिग्मा में मैं टेक्निकल चीज़ें इसमें बता देता हूँ जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है जैसा कि हम हमेशा एक लेआउट में करते हैं तो यहाँ पर मैंने ग्रिड सिस्टम लिया था कोई भी आप डेस्कटॉप का साइज ले लो और ग्रिड सिस्टम जो मैंने लिया था ट्वेल्व कॉलम एंड फ़ाइव कॉलम वो मैं बताऊंगा मैंने फ़ाइव कॉलम एंड ट्वेल्व कॉलम क्यों लिया सो ट्वेल्व कॉलम को अगर मैं एक्टिवेट कर लूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक फ़िक्स एरिया पे मैंने ये पूरा लेआउट बनाया है एंड जो आपका नेविगेशन है वो फ्लूड रहेगा तो यहाँ पर नेविगेशन को अगर मैं देखूँ तो नेविगेशन मैंने उसी तरीके से बनाया जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ एंड थोड़ा सा टिप भी मैं आपको इसमें दे देता हूँ कि किस तरीके से एक्जैक्टली exactly बना है तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ सिर्फ नेविगेशन अभी डिज़ाइन करते हैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें हम लोगों आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं जैसा कि कोई भी ब्रांड आपके पास हो सकता है देन हमें यहाँ पर बनाना है होम एंड अबाउट या इसी को भी रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम सिंपल एक लॉजिक जानना चाह रहे हैं किस तरीके से ये बनाएं तो अगर मैं इसको रैंडम ऐसे भी प्लेस कर दूं सारे नेविगेशन को एंड सबको सेलेक्ट कर लूं इन सबको सेलेक्ट कर लिया एंड शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया तो ये बन गया हमारा ऑटो लेआउट यहाँ से मैं अपनी सारी पैडिंग वगैरह मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे ये यह नेविगेशन हो गया एंड सेम विद दीज आइकन्स ये भी ऑटो लेआउट से मैनेज्ड हैं अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैनेज किए हुए हैं और थोड़ी सी बस ड्रॉप शेडो यहाँ पे हमने मार दिए ये जो आपका बॉक्स है इसको हमने इफेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो मार दिया सो so, यहाँ पे ये एरिया हमारा खत्म हो जाता है एंड हमने इसको बाइफोगेट किया फिफ्टी फिफ्टी में मेरा ये आइडिया था कि जो हमारा बैनर पार्ट होगा वो फ्लूड होगा यानी कि फिक्स रेजोल्यूशन पे बनेगा तो यहाँ पर ये ऑनलाइन चल रही है वेबसाइट एंड डेवलप होने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखती है तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे प्लानिंग किस तरीके की रही है हमारी कि यहाँ पर हमारा जो बैनर रहेगा वो फिट टू स्क्रीन यानी अबव द फोल्ड पूरा कवर करेगा तो ये हमारी ऑनलाइन वेबसाइट थी एंड यहाँ पर हमने फिफ्टी में एक बॉक्स लिया और एक इमेज को उसमें मास्क कर दिया एंड यहाँ पे ये दो बेसिक से एरो लगा दिए अगर आप यहाँ पे नई चीज़ ढूंढोगे तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी थीम आप देखते होंगे तो यहाँ पर एक आइकन होगा और यहाँ पर एक एरो होगा इस तरीके से दो एरो यहाँ पे लगते हैं हर वेबसाइट पे लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस ये है दोनों ही पास पास हैं जिससे कि फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर हमने फिट्स लॉ अप्लाई किया है अगर आप इस बैनर पे जाना चाहते हो तो तुरंत इस पर क्लिक करोगे यहाँ जाना चाहते हो तो तुरंत क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे कम हो रहा है अपने टारगेट तक पहुँचने का तो यहाँ पे हमने फिट्स लॉ भी अप्लाई किया है एंड यहाँ पे एक और जो ख़ास चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें फॉन्ट्स लिमिटेड यूज़ करने चाहिए और फॉन्ट्स लिमिटेड यूज़ करने के लिए ही मैंने सिर्फ दो फॉन्ट यहाँ पर यूज़ किए हैं एक प्लेफेयर डिस्प्ले फॉन्ट पेयरिंग मैंने यहाँ पर की है एक आपका सेंस सेरिफ एंड एक सेरिफ़ सो so, यहाँ पे आप देखोगे दूसरा है माउंट सैरेट तो इन्हीं दो फॉन्ट से मैंने पूरी वेबसाइट पे प्ले किया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम नेस लाने के लिए बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रीमियम नेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें हल्का सा कैरेक्टर स्पेसिंग भी खोल दी है एंड यहाँ पे थ्री डॉट्स मैंने बना दिए टू तो डिपिक्ट बैनर कि कितने बैनर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं और एक कस्टम शेप मैंने बनाई थी इसके अंदर हमने मास्क किया था जो हमने लोगों में एक ग्राफिक लगाया है वही ग्राफिक हमने इसमें भी मास्क कर दिया तो ये एक पूरा बैनर पार्ट का आइडिया था कि किस तरीके से बैनर पार्ट बना अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे आर कलेक्शन तो कलेक्शन एंड कैटेगरीज इनकी यहाँ पे मैंने दिखा दी कि हम पेंटिंग में डील करते हैं फोटोग्राफी में भी हैं कोलाज स्कल्पचर ड्राॅइंग इसको मैंने आइकन्स इसको मैंने आइकन्स के थ्रू भी दिखा दिया है एंड ये सारे आइकन्स कस्टम हैं और कुछ पिक भी किए हैं लेकिन सबको कंसिस्टेंट बनाया गया है अगर आप देखोगे सारे आइकन्स को मैं सेलेक्ट करके एक बार में इनकी थिकनेस घटा बढ़ा सकता हूँ आप देखोगे कि एक इक्वल वेटेज के साथ है लिमिटेड इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कस्टम मैंने यहाँ पे बनाए हैं एंड इसके नीचे भी आप देखोगे कंटेंट को मैंने वर्ड स्पेसिंग खोल दी जब भी कोई चीज़ आप प्रीमियम बना रहे हो तो फॉन्ट छोटा रखो एंड उसकी अगर आप कैरेक्टर स्पेसिंग खोल देते हो तो वो बहुत ही प्यारा लगता है अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ होवर की तो यहाँ पे मैंने होवर भी प्लान किया था कि होवर किस तरीके से रहेगा तो जस्ट रिवर्स मैंने ब्लैक पे निकाल दिया अब ये बना कैसे था इसके लिए भी मैंने ग्रिड सिस्टम यूज़ किया था तो पहले मैंने एक ट्वेल्व लिया था और फाइव मैंने इसके लिए लिया था सो फाइव कॉलम में आप सिर्फ बॉक्स बनाओगे एक लाइन बनाओगे एंड अपनी चीज़ें अलाइन कर दोगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसलिए मैं इसको बना के आपको नहीं दिखा रहा हूँ देन वाट्स न्यू व्हाट्स न्यू सेक्शन में अगर हम आते हैं तो सिंपल इमेज रखी हैं और इन्हीं एरोस को मैंने ये री किया है इमेज के बाहर सिर्फ मैंने एक पिक्सल की लाइन डाल दी है अब वो कैसे वो भी बहुत मैंने सिंपल तरीके से डाली है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डली है ये सो so, यहाँ से मैंने ये इमेज निकाल ली है सिर्फ इमेज मेरी मास्क हुई हुई है और कुछ भी नहीं है इसको मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया एंड शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों साइड से आप स्पेस खोल सकते हो ये मेरा स्पेस खुल गया एंड शिफ्ट एक्स मैंने प्रेस किया जिससे कि मेरी स्विचिंग हो गई फिल और स्ट्रोक में एंड मैंने इसको वाइट कर दिया तो इस तरीके से मैंने ये लाइन भी यहाँ पर बनाई है एंड होवर इफेक्ट अगर आप देखोगे होवर इफेक्ट में मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ एक ब्लैक ओवर के ऊपर टेक्स्ट रख दिया एंड एक बटन प्रीमियम के साथ वही फाउंट स्टाइल एंड नीचे हमने दिया है अबाउट वारी वारी क्या करता है सबसे पहले एक हेडलाइन दे दी फिर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड देन रीड मोर सारा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा एंड एक इमेज दे दी एक प्लेस होल्डर है बेसिकली यहाँ पे इमेज चेंज भी हो सकती है जैसा कि मैंने बताया डायनामिक वेबसाइट है ये नीचे हमने दे दिया एक और सेक्शन जो हमारे प्रीमियम कलेक्शंस वगैरह हैं वो हमने इस तरीके से थोड़ा दिखा दिया है एंड इसका एक होवर इफेक्ट हमने बनाया जिसमें आप होवर करोगे तो सेंटर में प्रीमियम नेस के साथ एक कंटेंट आएगा विद वाइट पैच तो ये यहाँ पे होवर बन गया एंड अगर आपको ये सारा देखना है तो व्यू ऑल कलेक्शन का हमने एक डिफरेंट पेज भी बनाया है टेस्टीमोनियल की अगर मैं बात करता हूँ तो टेस्टिमोनियल हमने बहुत ही सिंपल बनाए हुए हैं टेस्टीमोनियल मैंने कई बार अपने लेआउट्स में बताया हुआ है अलग से क्लास भी बनाई हुई है कि किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं पूरा ये हम ऑटो लेआउट के थ्रू बना सकते हैं सो तो कुछ भी नहीं है सिंपल टेक्स्ट है इमेज है एंड यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट्स के साथ प्ले किया है दैट्स इट और कुछ भी नहीं किया है एंड फाइव जो हमने यहाँ पे खोल रखी है ग्रिड इसको हम ट्वेल्व कर लेंगे अभी के लिए फाइव सिर्फ इसी के लिए थी एंड ट्वेल्व हम यहाँ पे इनको मेजर कर सकते हैं ट्वेल्व के साथ एंड अगेन नीचे भी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है सिर्फ टेक्स्ट दिया है एंड पैच हमारा सिमिलर चल रहा है कंसिस्टेंसी के लिए होवर इफेक्ट हमने इस तरीके का बनाया है एंड यहाँ पे तीन इमेजेस लगा दिए हैं इवेंट्स की जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे एंड व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद एक डेडिकेटेड इवेंट का पेज होगा वहाँ पे आप सारे इवेंट्स देख सकते हो ब्लॉग का पेज भी सिमिलर है इसी तरीके से फंक्शनैलिटी काम करेगी देन हमने इंस्टाग्राम का एक फ़ीचर लगाया है इंस्टाग्राम की रियल फीड्स आपकी यहाँ पर उठ के आ जाएंगी और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि किस इमेज पे कितने लाइक्स हैं कितने कमेंट्स हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं यहीं मिल जाएगी और अगर आप इंस्टाग्राम पे जानना चाहते हो तो यहाँ पे एक ट्रिगर होगा यानी कि बटन होगा तो वहाँ से आप उसको लैंड करा सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे देन इतना लंबा पेज हमने बना लिया लेकिन प्रोविज़न हमने दिया बैक टू टॉप का नीचे सो so, सारा पूरा एक्सपीरियंस कर लो लेआउट को देन हम बोलते हैं कि भैया अब आप बैक टू टॉप भी जा सकते हो सिंपल सा हमने यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है उसी को बेस मान के यहाँ पे कैटेगरी uh, दे दी हैं सब कैटेगरीज दे दी हैं एंड नॉर्मली जो हमारे प्राइमरी लिंक थे वो इस तरीके से दिखा दिया एंड कॉपीराइट टेक्स्ट भी यहाँ पे हमने दे दिया है सो बेसिकली लोगो दोबारा यहाँ पे रिपीट करने के बाद थोड़ा सा अबाउट का भी टेक्स्ट यहाँ पे हम डाल देंगे तो यहाँ पर इसी आइडिएशन से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है स्कैनर पेजेस भी बने हैं और जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड प्रेस पर बनी है तो वहाँ पर लिमिटेशंस भी होती हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जब भी आप वर्ड प्रेस के लिए कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो कोई थीम आप चूज़ कर लो और डिज़ाइन के प्लेस स्ट्रक्चर वैसा ही रखो अपना डिज़ाइन थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट और वेबसाइट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है जो हमेशा से आपको लगती ही है सो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को थैंक यू सो मच